लोहरदगा सदर प्रखंड के कुजरा हेसल और हिंदलासो गांव की सैकड़ों महिलाओं ने डीसी कार्यालय पहुंचकर अपनी दुख को बताया। मौके पर मौजूद डीडीसी गरिमा सिंह, डीएसपी परमेश्वर प्रसाद ने महिलाओं की परेशानियों से अवगत होकर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। बताते चले कि विगत 10 अप्रैल को हिरही गांव में हुई रामनवमी जुलूस में पथराव और आगजनी के बाद लोहरदगा पुलिस उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई में जुटी है और पुलिस आरोपितों की धरपकड़ में लगातार छापेमारी कर रही है। ग्रामीण महिलाओं ने अधिकारियों से पुलिस की बर्बरतापूर्ण रवैये की जानकारी दी और न्यायोचित कार्रवाई की मांग किया है। महिलाओं ने बताया कि रात के 2 बजे गांव पहुंचकर पुलिस खोजबीन करते हुए घर का दरवाज़ा तोड़ रही है, जिससे डर का माहौल बन गया है। वहीं इस पूरे मामले पर डीडीसी ने जांच और न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुछ महिलाएं आई हैं कलेक्ट्रेट में अपने प्रॉब्लम्स को लेके, जो लास्ट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था लोहरदगा उसी से रिलेटेड उनकी कुछ कंप्लेंट, तो हम लोगों ने उनके जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बोला है कि आप एक लिखित फॉर्म में अपना कंप्लेंट हमें दें ताकि हम लोग उसको एड्रेस करें। 2 बजे रात में पुलिस गए थे घर, उसके बाद में फिर दरवाज़ा खटखटाने लगे, उसके बाद में फिर खोले दरवाज़ा, उसके बाद में फिर उठाए, उसके बाद में फिर बोलने लगे कि क्या क्या नाम है बोल के नाम पूछने लगे। तो वो लोग गलत नाम सहित लिखा था कि क्या लिखा था नहीं पता, और उनका राजमोहन नाम है और ये लोग बबलू बबलू कह के पकड़ लिया। और उसके बाद में फिर आधार कार्ड सबको भी देखने लगा और उसमें राजमोहन नाम था, तो वो लोग बोला कि बात करके भी हम तुरंत छोड़ दे रहे हैं बोल के, और उसके बाद फिर लोग छोड़ा भी नहीं। कहाँ है अभी? थाना में है अभी। 10 अप्रैल को रामनवमी के दौरान जो जुलूस निकला था उसमें पथराबाजी हुआ था, उसमें से हिंदू में सब केस किया गया है और सारे घर में जाके पुलिस फोर्स जो भी है रात में 2 बजे रात 1 बजे रात जाके सब में दरवाज़ा पटकते हैं, घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। जब पुलिस से ही हम लोग का सुरक्षा नहीं पा रहे हैं तो अब किससे सुरक्षा पाए? घर में आधे रात को जाकर दरवाज़ा खुलवाते हैं, एक तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि मुस्लिम से भी डर लगा हुआ है कि ऐसा माहौल में कौन खुलवा रहा, पुलिस भी ऐसा करेंगे तो हम लोग अचानक तो दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, और दरवाज़ा तोड़ फोड़ करने लगते हैं, घर में अचानक घुस जाते हैं, पूरे चारों तरफ से घेर के चल जाते हैं। सबसे हम लोग को सुरक्षा पाना है और हम लोग को यही बोलना है कि आधे रात में नहीं जाए, जो भी कार्रवाई है उसमें आप दिन में जाइए, दिन को बताइए या फिर जिसको भी पकड़ना लाना है आप दिन में जाकर बता सकते हैं, आधे रात क्यों जाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।